शंकरगढ़ में जान को जोखिम में डालकर सरकारी स्कूल जा रहे नन्हे मुन्ने बच्चे, कभी भी घट सकती है बड़ी घटना। नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज शंकरगढ़ विकास खंड अंतर्गत कपारी प्राथमिक स्कूल के बगल स्थित मोड़ पर मिट्टी पड़ी होने की वजह से रोड के बगल कीचड़ हो गया है, जिससे वहां से आने जाने वाले स्कूली बच्चे आए दिन गिरकर घायल हो रहे हैं। वही शंकरगढ़ कपारी संपर्क मार्ग से गुजरने वाले राहगीर भी गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इसी रोड से प्रतिदिन शंकरगढ़ से बारहना चलने वाली महानगरी बसों व अन्य बड़े वाहनों का आना जाना बना रहता है, जिससे कभी भी नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना घट सकती है। स्कूल प्रशासन ने विकास खंड के उच्च अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से इस रोड के अगल बगल फैले जानलेवा कीचड़ को हटवाए जाने तथा रोड बनवाए जाने की मांग की है। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट, राजेंद्र पांडे। अच्छा बताओ, ये बताओ बेटा, आप किस स्कूल में पढ़ते हो? क्या स्कूल का क्या नाम है आपके स्कूल का? प्राथमिक विद्यालय क्या है? कौन सा गांव है? कपारी। क्या नाम है आपका? आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा, कहाँ से आते हैं आप? कौन सा गांव है, कहाँ से आते हैं? कपारी से। कपारी गांव से आते हैं। तो क्या समस्या आ रही है आप? ये कीचड़ जो दिख रहा है यहाँ सामने, तो आप स्कूल आते हो तो कीचड़ से क्या दिक्कत आती है? और लोग को गिर जाते हैं और लोग फंस जाते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ के स्कूल वाले नहीं हटवा रहे हैं कीचड़? अच्छा, कभी आप भी गिर गए हो? हाँ। कब गिर गए थे? जब परसों गिरे थे। परसों गिर गए थे। तो इसकी बात आपने, इसकी जानकारी मैडम को नहीं दी या सर को नहीं दी अपने स्कूल के? क्यों नहीं बताया? आपको बताना चाहिए ना कि हम वहाँ पे गिर गए थे। हम भूल गए। अच्छा, तो ठीक है। आपका नाम बेटा? आदित्य वर्मा। ये गाड़ी निकलना, बच्चों को निकलना, ये स्लिप हो जाना है, बगल में अपना स्कूल है। हाँ। तो जाता है यहाँ से बाइक वाइक ले आने में आदमी गिर जाता है। कल हम खुद ही रात में गिर गए थे, रात इतना पानी आया तो मुझे रात इसी में हम गिर गए थे। तो क्या ये, जैसा कि ये कीचड़ फैला हुआ है, आप इस कपारी गांव में रह रहे हैं, तो क्या ग्राम प्रधान को आपने सूचना नहीं दी कि इसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है या तो परेशान है ग्रामीण? ग्राम प्रधान तो यहाँ आते हैं विकास भवन में। अच्छा, दिखाई दिया होगा। अच्छा, जैसे देखिए बाइक जा रही है, ये यहाँ से निकलने में कितनी परेशानियाँ हो रही है। मतलब आए दिन ये लोग यहाँ गिर के चोटिल हो जाते हैं। एक दिन यहाँ स्कूल वाली गाड़ी आई थी, वहाँ पे जाके उसके गड्ढे में फिसल जा रही थी। अच्छा, गिरने से बची। तो अपने प्रधान से और खंड विकास खंड के अधिकारियों से क्या मांग करना चाहेंगे? तो मांग ये है कि इसको साफ सफाई करा दिया जाए और ये आने जाने का रास्ता क्लियर हो जाए, रास्ता को बना दिया जाए, लोग निकल।